हमारे साथ मौजूद हैं आज लॉ एक्सपर्ट ज़ैन कुरैशी, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं ज़ैन, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैन, आपसे सवाल करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि इस सेगमेंट में वो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर आएगा, और आप अगर ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार हुए तो साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आप रेमेडी पूछ सकते हैं। तो ज़ैन, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स के लिए कि डिजिटल फ्रॉड किस किस किस्म के हो सकते हैं और कैसे बचा जाए? देखिए, जब हम डिजिटल फ्रॉड्स की बात करते हैं तो इसमें दो तीन कैटेगरीज हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हम जब भी बात करते हैं तो एक तो फ्रॉड हमने रिसेंटली देखा जहां पे लोगों को लोन एप्लीकेशंस के थ्रू फंसाया जाता था, जहां पे उनको बताया जाता था कि जी आप लोन हमसे हासिल करें, और उसके बाद क्या होता था, वो ट्रैप कैसे होते थे कि जैसे ही वो एक्सेस देते थे एप्लीकेशन को तो वो एप्लीकेशन डायरेक्टली जो थी उनकी पिक्चर्स को, गैलरी की जो डेटा था उसको एक्सेस कर लेती थी, बाद में उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट तक भी एक्सेस हासिल कर लिया जाता था, उसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट के अंदर जो लोग होते थे उनके साथ वो जो थे कांटेक्ट में चले जाते थे, और इस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता था, जिस शख्स का भी डाटा जो था वो हैक हो जाता था या एक्सेस के पास चला जाता था। कोई चीज मेरा सवाल है, हम ऐप जब हम करते हैं डाउनलोड तो ऊपर बताते हैं वो कि आपका तमाम डेटा ये वो अब सेफ नहीं है, वो हम एक्सेस ले रहे हैं, पूछते हैं, इजाजत लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज ऐसा होता है या इसके बगैर भी अब चीजें शुरू? देखिए, जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत फेमस हैं वहां पे इस किस्म के केसेस नहीं देखे जाते, जो अगर होता भी है तो बड़ा रेयर सुनने में आता है, जो इस किस्म के मामला तो कि किसी की तस्वीरें उसको भेजी जा रही हैं और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर आप पैसे मिसयूज जो है, हमने पॉपुलर एप्लीकेशन में कभी ऐसी चीज नहीं सुनी ना देखी है, ना कोई कभी किसी शख्स के साथ ऐसा कभी कोई मामला हुआ होगा। लेकिन जो ऐसी एप्लीकेशंस थी जहां पे लोगों को इस तरीके से ट्रैप कर लिया जाता था, ना तो उन्होंने कभी उनका नाम सुना होता था, वो सिंपली उसको डाउनलोड करते थे, उसके बाद उनके साथ ये फ्रॉड शुरू हो जाते थे। दूसरी कैटेगरी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की है वो ये है कि वहां पे लोगों को ट्रैप इस तरह किया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और आपको एक नंबर से कॉल आएगी जी गलती से ये आपके पास कोड आ गया, और जो ही आप वो कोड उनको वापस भेजेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर एक इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से एक और नया तरीके का रहा है, उसमें ये होता है कि आपको एक कॉल आती है जिसमें आपको कहा जाता है जो जी रिश्तेदार बन के आपको कॉल आ जाती है, और उससे अगला जो तरीकेकार है जो फाइनेंशियल फ्रॉड का लोगों के साथ कमिट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि उनको कहा जाता है कि जो आपका बेटा है वो अरेस्ट हो चुका है और प्लॉट भी आ रहा है कि आपका प्लॉट निकला है, इतने पैसे भेजे बैंक में जाके। जो आपका ये जो आपने भी बात बताई इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आमतौर पर ये कहा जाता है कि आपका इनाम निकला है, और वो उन लोगों से ये बात अक्सर जब भी कभी ऐसा फ्रॉड होता है तो बींग ए लॉयर मैं पूछता हूँ। अच्छा ज़ैन, हमारे ना रेगुलर कॉलर है कुर्बान अली चाचड़, उनकी कॉल आई है तो उनसे बात करते हैं। बताइएगा कुर्बान, कैसे आप? जी अल्लाह पाक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी कुर्बान, बताएं क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि मेरा भी एक बार जो है ना ये सोशल अकाउंट फेसबुक मेरा जो है ना हैक हो गया था, तो उसके बाद इसके मतलब कानूनी क्या तकाजा है कि हम जाके किसको शिकायत करें या कंप्लेंट करें, कोई मतलब? गुड क्वेश्चन, सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन? वो कह रहे हैं जी कि कानूनी तरीका कार क्या अपनाया जा सकता है अगर फ्रॉड हो जाए। अच्छा, अगर अकाउंट हैक हो गया उनका, अच्छा इसमें देखिए गुजारिश ये है कि जब भी आपके साथ साइबर क्राइम हो, जैसे आपके अकाउंट हैक हो गया है या उसका कोई इलीगल इस्तेमाल किया जा रहा है, जब भी साइबर क्राइम हो तो उसकी जो कानून के अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन है जो बताई गई है वो एफआईए साइबर क्राइम सर्कल के पास है, और जो भी केस रजिस्टर्ड होता है वो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत रजिस्टर्ड होता है। ओके, अच्छा अगर किसी की पिक्चर्स मिसयूज की जाती हैं, अब तो एआई का जमाना है तो ये बहुत ज्यादा आम हो रहा है, और डीफेक भी कहा जाता है, और उसके अलावा वीडियोज भी इस तरह के बनाई जाती है किसी के नाम से, वो ओरिजिनल है या नहीं, इसकी क्या मतलब, इस पे कोई कार्रवाई होती है, कोई सजा है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स किसी की तस्वीरें एडिटेड करके तैयार कर लेता है, फेक तस्वीरें तैयार कर लेता है, या फिर उस तस्वीर को किसी और डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो वायरल करने की कोशिश करता है, तो किसी की शख्सियत को मजरूह करने, अगर तो देखें कोई ऐसी तस्वीर लगाई गई है जो कि नाजेबा नहीं है, तो उस हवाले से जो सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में वो सेक्शन 24 है जिसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, इसमें सजा 3 साल है। सही, अगर वो तस्वीर जो है वो नाजेबा है, ऑब्जेक्शनेबल है, या किसी ने एडिट करके तैयार की हुई है, तो उसमें सेक्शन 21 है ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, इसमें सजा 5 साल है। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो दोनों कैटेगरीज के हवाले से जो मैंने भी बताया, इसमें आम तौर पे जो सबसे बड़ी गलती विक्टिम्स के साथ ये होती है, वो जब ऐसा काम कोई उनके साथ किया जा रहा होता है तो वो आमतौर पर डर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बताते नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर फौरी तौर पे जो काम करने वाला होता है वो ये सकते हैं। जी बिल्कुल, आप रिपोर्ट करें उस केस को। कैसे रिपोर्ट? देखिए साइबर क्राइम का कोई भी केस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आपने एविडेंस को प्रिजर्व करना है। अगर आपके पास एविडेंस आ गया उसको डिलीट मत करें, वो आपके पास उसके जी वो आपके पास सेव रहना चाहिए। और दूसरा काम यह कि जब एविडेंस आ गया और आपको एक शख्स ब्लैकमेल कर रहा है, अगर आप उसको पैसे भेजते रहेंगे या ब्लैकमेल होते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं है।
उसको फौरी तौर पे आपने रिपोर्ट करना है, और जो ज्यूरिसडिक्शन है ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने की वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास के अंदर आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये है कि जो ऑफेंडर है जो कर रहा है इस तरह की हरकत, वो मुल्क से बाहर कोई आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, वो मुल्क में नहीं है, बाहर के किसी कंट्री से हो रहा है, तब पाकिस्तान का लॉ है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए ऑब्वियसली अगर किसी पाकिस्तानी शख्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है तो वो इस लॉ के तहत रेमेडी अवेल कर सकता है। अब इसमें जो बात आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो अगर कोई शख्स आईपी एड्रेस के थ्रू कर रहा है, किसी मोबाइल नंबर के थ्रू कर रहा है, देखिए क्योंकि हमारा शो का टाइम बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसको मैं एक ही बात से समाप्त करूंगा कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। जब भी आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसमें आपने कोई चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे की हो, तो दैट इज इजीली ट्रेसेबल। वो कैसे ट्रेसेबल होती है, वो क्या डिफरेंट, क्योंकि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होती है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपको IMEI नंबर जो है सपोर्ट कर जाता है, कहीं पे आपको आईपी एड्रेस सपोर्ट कर देता है, कहीं पे आपको सिम की जो ओनरशिप है वो सपोर्ट कर देती है। मैंने कई दफा खुद बजाते खुद कई मुतासरीन से मेरी बात हुई जिनके साथ इस तरह आइडेंटिटी थेफ्ट का जो शिकार हुआ है। अब मसला ये आता है कि एक तो है कि जी जिसने ये ऑफेंस किया उसको गिरफ्तार किया जाए, कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए, ये एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहला जो होता है ना वो ये होता है कि इज्जत बरकरार रहे और जो मवाद ऑनलाइन पड़ा हुआ है वो किसी तरह रिमूव हुआ हो जाए जी, तो वो भी FIA साइबर क्राइम ही करेगा। देखिए जो उस रिमूवल ऑफ कंटेंट के, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे कहूंगा क्योंकि बिल्कुल आपने सही इसको एक्सप्लेन किया कि जो भी विक्टिम होता है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि डाटा रिमूव होना, ज्यादा लोगों तक ना इसमें जी इसमें जो सेक्शन 37 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, वो अनलॉफुल कंटेंट के हवाले से बात करता है। जहां पे कहीं पे कोई शख्स इस चीज का विक्टिम है, किसी के बारे में कोई ऐसा कंटेंट लगा दिया गया है, तो वो उस कंटेंट को बिल्कुल रिपोर्ट कर सकता है। ऑब्वियसली वहां पे जो रिमूवल ऑफ कंटेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PTA के पास है। PTA जी, तो इसमें एक गुजारिश यही है कि कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। देखिए इसमें ऑब्वियसली जो सेक्शन 37 के तहत अगर आप कहीं पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप विक्टिमाइज हो गए, आपका डाटा अपलोड हो गया, तो वहीं पे जहां आप एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसी एप्लीकेशन में भी आप प्रे जो है ये करें कि ये डाटा जो है इसको रिमूव किया जाए, अदालत हिदायत जारी करे PTA को कि वो ये डाटा। देखिए ऑब्वियसली आप उस इन्वेस्टिगेटिंग इदारे से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को आपको लगता है कि आपके आपका वो जो उस चीज को रिमूव नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली आप कोर्ट के पास भी डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अगर, लेकिन ये चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं रेलिवेंट सेक्शंस इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ुकात होता ये कि हम समझते हैं कि कानून में रेमेडी अवेलेबल है, रेमेडी नहीं है। मैं सेक्शंस इसलिए रेलिवेंट साथ साथ बता रहा हूँ कि जो लोग भी ये शो को देख रहे हैं वो इन सेक्शंस को भी पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू वो मदद भी ले सकते हैं। अगर कोई किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ये एप्स के थ्रू ले रहा है तो उसकी क्या सजा है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड अगर कोई शख्स कमिट कर रहा है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, पहले तो मैं आसान लफ्जों में बताऊं ये होता क्या है। कोई भी शख्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर इस्तेमाल करता है रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए। फॉर द इंटरप्शन देन हमारे कॉलर हैं इमरान फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? हां जी अस्सलाम, ठीक ठाक जी। जी इमरान कहिएगा, क्या आपका क्वेश्चन है? भैया ना मेरे, हम ना कारोबार करते हैं फैसलाबाद में, मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उनको ना मुल्तान FIA से नोटिस आया हुआ है। अच्छा, PIPA 14 के तहत भी। ठीक है, क्या नोटिस है? के जी जो है ना मोबाइल अकाउंट्स का फ्रॉड है जी, आपके जिम्मे ना 7.5 लाख का मोबाइल और अकाउंट्स का फ्रॉड है। आप जैन कुछ पूछ सकते हैं डिटेल्स अपना ये बता दें। आपके साथ कोई ऐसी कोई डीलिंग हुई किसी की या फिर ये नहीं? जी नहीं, कोई आज तक नहीं हुई जी। हमारे प्रॉपर अकाउंट चल रहे हैं, बिजनेस के चल रहे हैं, जैज कैश अकाउंट प्रॉपर चल रहा है, स्टिल चल रहा है। चलें ठीक है, ये बताते हैं फिर हमारे लॉक्स पर। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन तो मुझे क्लैरिटी के साथ वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, उनको वो ये बताना चाह रहे हैं कि शायद उनको जो है नोटिस आया है। देखिए एक तो लॉफुली तो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे अगर कहीं पे कोई आपका रोल मौजूद है तो आपको बुला सकते हैं, इसमें तो ये तो एक कानूनी बात है। अब इसमें आमतौर पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उन्होंने एंड पे बात को ख़त्म करते हुए बताया कि हमारा बिजनेस है उससे ही रिलेटेड, सिम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इनको ये चेक करना चाहिए कि जो इनकी सिम है कहीं पे वो उसका कोई इस्तेमाल गलत तो नहीं हुआ। अब जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, देखें एक जो साइबर क्राइम सोशल मीडिया रिलेटेड होता है वहां पे एक फेक आइडेंटिटी सोशल मीडिया के ऊपर बनती है, बिल्कुल। लेकिन जो एक फाइनेंशियल क्राइम होता है उसमें जो एक शख्स क्रिमिनल होता है वो इस्तेमाल क्या करता है, वो एक फेक सिम कार्ड इस्तेमाल करता है, और जो फेक सिम कार्ड होता है वो किसी और की आइडेंटिटी पे होता है।
क्राइम कोई और शख्स कर रहा होता, देखे ना एक चीज तो बड़ी वाजी है कि कोई शख्स अपने नाम से तो क्राइम नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो किसी और की आइडेंटिटी को मिसयूज करता है। ये भी कहा जाता है कि आप अपनी सिम्स चेक करें आपके नाम से, कोई आपके अलावा कोई सिम तो यूज नहीं हो रही। तो बहुत शुक्रिया जैन, आपने हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात और वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।